दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नमकीन दलिया की खिचड़ी। कोई खाएगा तो बता भी नहीं पाएगा कि इसे आपने दलिया से बनाया है। और अगर आप डाइट करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तभी भी ये वाली खिचड़ी आप लंच में या डिनर में बना के खा सकते हैं। तेज़ी से वजन घटेगा और ये टेस्टी टेस्टी खिचड़ी कोई बता भी नहीं पाएगा कि दलिये से बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दलिया खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल ली है और मैंने यहाँ पे एक कटोरी दलिया लिया है। ये गेहूं का दलिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसी कटोरी की नाप की हम लेंगे आधी कटोरी मूंग दाल, यानी कि एक कटोरी दलिया आधी कटोरी मूंग दाल। कुछ सब्जी ली है, आलू, टमाटर, लौकी, फूल गोभी, गाजर और मटर। आप देख सकते हैं मैंने लगभग एक एक बड़ा चम्मच के करीब ही सब्जियां ली है। तो चलिए बना लेते हैं टेस्टी हेल्दी खिचड़ी। तो गैस पे चढ़ा दीजिए एक कुकर, कुकर को गर्म होने दीजिए। कुकर गर्म होने के बाद में आप डाल दीजिए एक बड़ा चम्मच देसी घी। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी नमकीन खिचड़ी आप बनाते हैं तो उसे देसी घी में ही बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो गेहूं का दलिया लिए थे उसे। तो दलिया को हमें बहुत अच्छे से घी में गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप दलिया को सेक के खिचड़ी बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो इतना लाजवाब आता है कि आप बोलोगे वाओ। तो दलिया को लगभग एक दो मिनट तक हम लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। अब दलिया यहाँ पे सीख गया है। अब हम डाल देंगे जो मूंग दाल लिए थे वो, और मूंग दाल डालने के बाद हम एक बार अच्छे से फिर से चला देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने घी में जीरा नहीं डाला, डायरेक्ट दलिया डाल के सेका है। अगर आप चाहें तो एक चम्मच जीरा डाल सकते हैं, और क्योंकि हम प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी गर्म मसाले वगैरह नहीं डालूंगी। बस सब्जियाँ ली है और मूंग दाल और दलिया। तो सारी सब्जियों को आप, जैसा कि दिख रहा है, मैं सभी सब्जियों को एक साथ डाल दे रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और सबसे खास बात, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि अगर आप किसी को खिलाओगे तो वो बता नहीं पाएगा कि ये दलिया खिचड़ी है। तो सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे एक चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में मैं यहाँ पे डालूंगी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हम बहुत ज़्यादा मसाले खिचड़ी में ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत हेल्दी खिचड़ी है और डाइट वाले लोगों के लिए भी है, तो ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। बस आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2-3 हरी मिर्ची को काट के भी डाल सकते हैं। अब सभी सब्जियों को हम बहुत अच्छे तक 2-3 मिनट तक भूनेंगे, उससे क्या होगा, देसी घी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने दलिया और दाल मिला के 1.5 कटोरी का माप लिया था, तो आप लगभग 6 कटोरी के करीब पानी डाल दें। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। खिचड़ी आप अपने मनपसंद से, जितनी भी ज़्यादा आपको पतली या गाढ़ी पसंद है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे जब खाएं तब कर सकते हैं। अब इस खिचड़ी में हम लगभग 4-5 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर का ढक्कन मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ दोस्तों, और सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से घी में फ्राई कर लिया और लगभग ये 4-5 सीटी यहाँ पे आ गई है। और 5-6 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसका प्रेशर ख़त्म होने के बाद ही कुकर को खोलेंगे। तो यहाँ पे कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया। अब मैं चेक कर लेती हूँ। वाओ, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर, और ये यकीन मानिए अगर आप डाइट में हैं और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो ये वाली खिचड़ी बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये दलिया है, मूंग दाल है और प्रोटीन से भरपूर है, बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ेगा। अब इसे गर्मा गर्म मैं बाउल में सर्व कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो देसी घी डाल के भी खा सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं गार्निश कर देती हूँ, या अगर आप घी कम खाना चाहते हैं तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी कम ही रखें। गर्मा गर्म दलिया नमकीन खिचड़ी बनके तैयार है दोस्तों, आप इसे बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये दलिया खिचड़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।